लिखित परीक्षा के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक पेपर होता है, जिस पेपर के दो पार्ट होते हैं, पार्ट वन पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के, आईसीटी के, मैन एंड एनवायरनमेंट के, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी से आते हैं। शेष 70 क्वेश्चन आपके वैकल्पिक विषय से आते हैं। फाइनल सिलेक्शन में रिटेन और इंटरव्यू दोनों के ही अंकों को जोड़ा जाता है। रिटेन पेपर का पार्ट फर्स्ट सफलता की कुंजी है, तो इस कुंजी को अपनी मुट्ठी में करने के लिए तैयार हो जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारे UPHESC ऑनलाइन प्रोग्राम को। हेलो एस्पिरेंट्स, क्या आप जानते हैं नेट GRF क्वालिफाई तथा PhD स्कॉलर्स को UP के एडेड डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कौन सा एग्जाम क्लियर करना होता है? UPHESC द्वारा आयोजित परीक्षा हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर देती है। ये परीक्षा दो चरणों में संपन्न होती है, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार। लिखित परीक्षा के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक पेपर होता है, जिस पेपर के दो पार्ट होते हैं, पार्ट वन पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के, ICT के, मैन एंड एनवायरनमेंट के, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी से आते हैं। शेष 70 क्वेश्चन आपके वैकल्पिक विषय से आते हैं। फाइनल सिलेक्शन में रिटेन और इंटरव्यू दोनों के ही अंकों को जोड़ा जाता है। रिटेन पेपर का पार्ट फर्स्ट सफलता की कुंजी है, तो इस कुंजी को अपनी मुट्ठी में करने के लिए तैयार हो जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारे UPHESC ऑनलाइन प्रोग्राम को। हेलो बच्चों, वेलकम टू TCS एकेडमी। हमारी आपकी ये शायद पहली मुलाकात है। हम आपके पेपर वन का जो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन होता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों, तो वो जो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है हिंदी और अंग्रेजी, वो दोनों हम पढ़ाएंगे। पेपर वन में जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, जो क्वेश्चन अंग्रेजी में आता है, जो कॉम्प्रिहेंशन अंग्रेजी में होता है वही कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में भी होता है। तो अंग्रेजी में तो इसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? एक्चुअली पहले हम कॉम्प्रिहेंशन को समझ लेते हैं, फिर बढ़ते हैं हिंदी की ओर। एक वर्ब है कॉम्प्रिहेंड, क्या वर्ड होता है? एक वर्ड है कॉम्प्रिहेंड, और इस कॉम्प्रिहेंड का पूरा मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंड का मतलब, ये वर्ब है, और कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है कि किसी लिखे हुए कथन को, किसी लिखे हुए पैराग्राफ, कुछ भी जो लिखा हुआ है, व्हाटएवर इज रिटन, एक पैराग्राफ होता है, एक पैसेज होता है, उसको आप पढ़ सकें, पढ़ के उसका मतलब समझ सके। यही नहीं ख़त्म होता, वो तो रीडिंग में आ गया। अगर आपने उसको पढ़ लिया, पढ़ के मतलब समझ लिया, दैट इज़ कॉल्ड रीडिंग। कॉम्प्रिहेंशन एक स्टेप और आगे है। कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूड्स रिप्लाई। अगर आप उस पैसेज को पढ़ के उसका मतलब समझ जाते हैं तो ये रीडिंग हो गई, और आपसे जो कुछ पूछा जाए, जो क्वेश्चन पूछे जाएँ, अगर आप उन क्वेश्चंस का जवाब दे देते हैं तो ये होता है कॉम्प्रिहेंशन। If you can read a passage, you can understand a passage. क्या क्या चीज़ आया? You can read a passage, you can understand a passage. हालांकि एडवांस लेवल पर, बड़े लेवल पर रीड में ही अंडरस्टैंड आ जाता है। रीडिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ यह है कि रीडिंग लगाते चले गए, उसका मतलब कुछ न समझ में आया तो उसको रीडिंग एक्चुअली कहते नहीं, लेकिन हम दोनों को तोड़ के अलग अलग कर दे रहे हैं। रीड, पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया तो कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। आप पढ़ लिए, पहला स्टेप, उसको पढ़ लिए, पढ़ने के बाद उसका मतलब समझ गए,
और एक स्टेप और लीजिए, यू कैन रिप्लाई, आपने समझ लिया, और यू कैन रिप्लाई, अगर आपसे कुछ पूछा जाए उस पैसेज पर बेस्ड और उसका आप जवाब दे सकते हैं, तो ये तीन की तीनों चीज़ों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, ये है कॉम्प्रिहेंड करना, और इसी का नाउन फॉर्म है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये बात हो गई। अब आते हैं हिंदी में, कॉम्प्रिहेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं, बोधगम्यता। तो बोधगम्यता में मेन वर्ड जो है वो है बोध। बोध का मतलब क्या होता है, इस बोध को ही कहते हैं कॉम्प्रिहेंड करना। बोध करना मतलब कॉम्प्रिहेंड करना, किसी चीज़ को आपने पढ़ा, पढ़ के समझा और पूछे गए प्रश्नों का आपने जवाब दे लिया, तब इसका मतलब आपकी बोधगम्यता अच्छी है, आपकी बोध शक्ति अच्छी है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन पावर यानी बोध शक्ति आपकी ठीक ठाक है, तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। आपके UGC नेट में एक खास बात है कि जो पैसेज अंग्रेजी में होता है उसी का हिंदीकरण, उसी का ट्रांसलेशन हिंदी में होता है। अच्छी बात यह है कि दो हमें अलग अलग पैसेज नहीं पढ़ाने हैं, जो अंग्रेजी में पढ़ाना है वही हिंदी में पढ़ाना है, तो हिंदी और अंग्रेजी का पैसेज एक ही होगा, बस ट्रांसलेटेड होगा। क्वेश्चन भी वही होते हैं, जो अंग्रेजी में होते हैं वही हिंदी में भी होते हैं। तो फिर हमें करना क्या है, हमें आज आप लोगों से डिस्कस सिर्फ ये करना है, क्योंकि टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, हाउ टू सॉल्व। आज हम कोई कॉम्प्रिहेंशन का कोई पैसेज सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, आज हम लोग करने जा रहे हैं कि पैसेज को सॉल्व करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या सतर्कता बरतनी है, व्हाट केयर्स टू बी टेकन। ठीक है ना, व्हाट केयर्स टू बी टेकन व्हाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। जब हम किसी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम क्या क्या सावधानियां और क्या क्या सतर्कता बरतेंगे, इस ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले ये देख लेते हैं कि जो पैसेज होगा वो पैसेज किसका होता है, जनरली प्रोज का होता है। प्रोज का मतलब क्या होगा, जो पैसेज होगा वो गद्य में होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसेज पोएम में हो, क्योंकि ऐसी कोई मजबूरी नहीं है या ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है इस तरह का कि जो पैसेज है वो केवल प्रोज में ही होगा। ये इत्तफाक की बात है, इट इज़ अ कोइंसिडेंस दैट अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज़्यादातर प्रोज के ही रहे हैं, पोएम के क्वेश्चन नहीं होते हैं। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन जो नाम है, इस नाम में प्रोज और पोएम दोनों इंक्लूड है, प्रोज और पोएट्री दोनों इंक्लूड, गद्य और पद्य दोनों इंक्लूड है। कॉम्प्रिहेंशन उसी को कहते ही हैं कि आप कविता पढ़ करके उसका मतलब समझ सकें, उसका प्रश्न का आंसर दे सकें, या फिर चाहे का गद्य हो तो दोनों के लिए लागू होता है। आइए ठीक है, तो जब हम अच्छा होता क्या है, एक चीज़ बताना भूल गया, गद्य का अगर पैसेज होगा तो उसके क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के होते हैं, अगर वही क्वेश्चन पद्य क्या हुआ तो क्वेश्चन की शैली बदल जाती है, क्योंकि अगर पद्य है तो उसमें अलंकार वगैरह छंद से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर पोएम के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, UGC नेट में गद्य पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, जो गद्य में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको अप्रोच क्या लेनी है, सबसे पहली बात, जो पैसेज सॉल्व करते समय हम अप्रोच अपनाते हैं तो जो अप्रोच क्या होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस हाउ टू सॉल्व अ पैसेज। इसमें हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो व्हाट अप्रोच शुड बी टेकन, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए कैसी अप्रोच लेनी चाहिए, कैसे अप्रोच लेनी चाहिए। तो जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीड क्वेश्चंस, जो पैसेज के क्वेश्चंस हैं वो आप पहले पढ़ लीजिए। ऑप्शन नहीं, हमने कहा कि आप केवल क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, ऑप्शन पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पैसेज आप देखिए बस, उसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, या बहुत करिए तो पैसेज की एक लाइन पढ़ लीजिए, पैसेज की शुरुआत की जो एक लाइन होती है उसमें आपको थीम मिल जाएगी। उसके बाद आप पहले क्या पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है, नो ऑप्शन, आपको ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं, केवल क्वेश्चन पढ़िए। उसके बाद क्या पढ़िए, उसके बाद आइए आप पैसेज पढ़िए। अब क्या करते हैं, आप रीड पैसेज, जब आप पैसेज पढ़ेंगे
तो अगर क्वेश्चन पहले से ही पढ़ रखे हैं, बाद में पैसेज पढ़ेंगे, तो जब पैसेज पढ़ते हैं तो यहीं पर आंसर आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, आंसर इज क्लिक्ड, ये आंसर आपके दिमाग में क्लिक करता चला जाता है। चूंकि क्वेश्चन हम पहले से पढ़े हैं, जब पैसेज पढ़ते चलते हैं तो क्वेश्चन पहले से पढ़े होने के नाते पैसेज को पढ़ते समय जहां वो बात आएगी या उस प्रश्न का जवाब आएगा वही दिमाग में तुरंत पढ़ते ही दिमाग में तुरंत आ जाएगा, अरे ये तो क्वेश्चन में पूछा गया था, अरे ये तो क्वेश्चन में पूछा गया था, अरे ये बात तो क्वेश्चन की है। तो ये बातें वहां वहां पर दिमाग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, वहां वहां पर दिमाग की जो कॉम्प्रिहेंशन पावर है बढ़ जाती है, क्योंकि दिमाग में आ जाता है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आंसर आपको पैसेज पढ़ते समय एक बार में ही क्लिक हो जाएगा। अब जब आप पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन करने लगेंगे तो क्वेश्चन करते समय फिर पैसेज में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पढ़ते समय ही आंसर क्लिक कर गया है। अब जब आप ऑप्शन देखेंगे तो यू नो आंसर, आंसर आपको पहले से ही पता है, यू आर टू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द ऑप्शन, आंसर आपको पता है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू विल जस्ट सर्च फॉर ऑप्शन, आप ये देखेंगे कि वो आंसर किस ऑप्शन में दिया है। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ा, आपको आंसर पैसेज पढ़ते समय मिल गया था उस क्वेश्चन का। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, दोबारा आके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आंसर ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पता है, बस आप ये देखें कि ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है, वो आंसर किस ऑप्शन में है, तब आपको केवल ऑप्शन चूज करना रह जाता है बस, ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको केवल ऑप्शन देखना रह जाएगा कि वो क्वेश्चन किस ऑप्शन में है, इससे टाइम बचेगा और एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आएगी। अच्छा, अगर आप पहले रीड नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा, मान लीजिए ये हमने हटा दिया, ये हटा दिया, आपने पहले क्या पढ़ा, आपने पहले पैसेज पढ़ लिया, रीड पैसेज फर्स्ट, मान लीजिए आपने पहले पैसेज पढ़ा, फिर आपने क्या किया, इसके बाद आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन में जो आंसर दिए हुए हैं, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को आप फिर पैसेज में जा करके ढूंढेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है। जब आप पैसेज पहले पढ़ रहे थे तो आपको ये नहीं पता था कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैसेज पढ़ने के बाद पूरा पैसेज तो आप याद नहीं रख पाएंगे, जब आप क्वेश्चन पढ़ने लगेंगे तो फिर आप उन क्वेश्चंस का आंसर पैसेज में आके जाके ढूंढेंगे, फिर आपको वापस पलटना पड़ेगा, 10 कदम आगे बढ़ के फिर 10 कदम पीछे जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए कह रहे हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सरसरी नज़र से पढ़ लीजिए, ऑप्शन नहीं आंसर नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते चले जाइए, जल्दी 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 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर पैसेज पढ़ते समय आपको कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, कहाँ विशेष रूप से ध्यान देना है, ये पहले से पता रहता है। चलिए, जब हम आपको प्रैक्टिस कराने लगेंगे इसकी, तो मैं तरीका यही अपनाऊंगा, जब आप तो ये डिस्कस कर रहा हूँ कैसे किया जाता है, एक दिन के लिए ये डिस्कशन है, उसके बाद जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम एक पैसेज ही डिस्कस कराएंगे, तो जब पैसेज डिस्कस कराएंगे तो पहले दिन में अपना तरीका ही अपनाऊंगा, पहले मैं इसी तरह से कराऊंगा, क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ेंगे, फिर देखिएगा आंसर आपको वापस जाके ढूंढना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। ये तो बात हो गई कि हम क्या अप्रोच लेंगे, कैसे इसको हैंडल करेंगे। अब बात ये आती है कि जो कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन में जो पैसेज होगा वो किस तरह का होगा, तो देखिए इसके बहुत ज़्यादा स्कोप हैं, बहुत दायरे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि कोई क्वेश्चन किस तरह का होगा या पैसेज किस तरह का होगा, ये हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते भाई। वो पैसेज नरेटिव भी हो सकता है, हो सकता है द हिंदू का एडिटोरियल हो या इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल का पैसेज दे दिया गया हो, या हो सकता है किसी एस्से का पैसेज दे दिया हो, किसी अंग्रेजी के बड़े राइटर ने कोई एस्से लिखा उसका पैसेज हो सकता है, या किसी जर्नलिस्ट की रिपोर्ट हो सकती है, या मान लीजिए कि कोई ऑटोबायोग्राफिकल पैराग्राफ है वो दिया जा सकता है, या किसी चीज़ के एनालिसिस की गई हो तो वो एनालिसिस भी हो सकती है, तो जो पैसेज दिया गया है वो एनालिटिकल भी हो सकता है, मतलब नरेटिव भी हो सकता है, कोई रिपोर्ट भी हो सकती है, कोई आर्टिकल भी हो सकती है,
ठीक है ना। और मान लीजिए जैसे इधर आजकल एक बीमारी चल रही है COVID-19 की, इस पर पता लगा WHO की रिपोर्ट हो, तो हो सकता है वही रिपोर्ट ही छाप दी जाए पूरी की पूरी, आपको WHO की वो पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको पैसेज में दे दी गई, वही चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो वो साइंटिफिक रिसर्च पेपर भी हो सकता है, कोई रिपोर्ट भी हो सकती है। आजकल पता लगा कोई आर्थिक समीक्षा आजकल आ रही है, तो आर्थिक जो अर्थव्यवस्था की हालत है उस पर तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्री अपनी राय रख रहे हैं, तो हो सकता है उनकी आर्थिक समीक्षा, उनकी आर्थिक रिपोर्ट या अर्थव्यवस्था पर उनकी कोई राय हो, तो यही आ सकती है। या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ आ सकती है, या जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है तो उस पर कोई चीज़, कोई पैसेज हो सकता है, कोई बात हो वो आ सकता है। मतलब ये हम सब्जेक्ट नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें कॉम्प्रिहेंशन में दी जाएंगी। एक्चुअली वो आपकी बोधगम्यता को, आपकी एनालिटिकल पावर को जज करना चाहते हैं, तो पहले से बताएंगे नहीं कि हम किस तरह का पैसेज देते हैं, ठीक है। तो वो आपको मतलब यू शुड बी रेडी फॉर एनी सिचुएशन, यू कैन नॉट चूज, यू आर नॉट अ चूजर, आप चूजर नहीं है, आप चूज नहीं कर सकते। यू शुड बी रेडी, प्रिपेयर योर सेल्फ ऑलवेज रेडी फॉर एनी सिचुएशन, कैसा भी पैसेज होगा हम करने के लिए तैयार हैं, इसके लिए आप रेडी रहिए। चलिए ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन किस किस तरह के हो सकते हैं पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, चाहे हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ये आए प्रश्नों के प्रकार, जो प्रश्न होंगे वो कितने कितने तरह के हो सकते हैं पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। और हम पाते हैं ये कि जो क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन तथ्यात्मक होते हैं। तथ्यात्मक का मतलब क्या हुआ, ये सीधे डेटा बेस्ड होंगे, क्या होंगे, डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तथ्यों पर आधारित होते हैं। आपको उस पैसेज में, उस पैराग्राफ में, दो तीन पैराग्राफ का हो सकता है, एक पैसेज हो, एक आर्टिकल हो, या छोटा हो सकता है, तो जो भी एक पैसेज दिया गया है आपको, उस पैसेज में कुछ फैक्ट्स दिए गए होंगे। जैसे मान लीजिए किसी जैसे किसी संस्था का चेयरमैन दिया हुआ हो, या फिर GDP की ग्रोथ रेट दी हो कहीं पर, या किसी एक विशेष सन में कहीं की जनसंख्या कितनी थी ये दिया हुआ हो। जैसे मान लीजिए ये कहा जाता है, सपोज करिए, मुझे डेटा नहीं याद है एग्जैक्ट डेटा, इसको GS का क्वेश्चन मत बनाइएगा। मान लीजिए ये कहा जाता है कि 1921 के दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट देखी गई, मतलब जो जनसंख्या वृद्धि चल रही थी उसमें गिरावट आई थी 1921 के 20 के बाद वाले दशक में, महामारियां वगैरह चूंकि काफ़ी ज़्यादा फैली थी तो जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आई थी, शायद यही बात है। तो अब 1921 वाले दशक में, मतलब 20 वाले दशक में, 20 से 30 के बीच में जनसंख्या में गिरावट आई, ये मान लीजिए पैसेज में इस तरह की जानकारी मिलती है। अब एक मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट देखी गई, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट दी गई देखी गई। अब आपको लिए क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है 1910, 1920, या ऐसे लिखा हो 11 से 20, या लिखा हो 1921 से 30, फिर लिखा 1931 से 40, फिर लिखा 1941 से 50। तो इसका तो डेटा बेस क्वेश्चन हुआ ना, तो 1920 के दशक में, तो 1920 का जो दशक होगा वो कौन सा होगा, 1921 से लेकर के 30 तक होगा। तो इसका डेटा बेस सीधे आंसर मिल जाएगा ना, वो पैसेज में दिया हुआ है, कोई डेटा दिया हुआ है, जैसे किसी का नाम दिया हुआ है, मान लीजिए कहीं पर ये लिखा हो कि फलासन में उनको नोबेल पुरस्कार मिला, या ऐसे कहीं लिखा हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के, भारत में साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय कवि है जिसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। अब तीन चार कवियों का नाम मिल गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, और सुमित्रा नंदन पंत लिखा हो, और तुलसीदास लिखा हो, और एक कवि मान लीजिए अज्ञेय का नाम लिखा हो, तो आप किसको मानेंगे। तो जाहिर सी बात है पैसेज में एक डेटा दिया हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के कवि हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये जो डेटा बेस क्वेश्चन होते हैं, पैसेज में इस तरह की एक लाइन होगी, उस लाइन में सीधा सीधा आंसर मिलेगा,
जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का सीधा आंसर लिखा हुआ पैसेज में मिल जाता है। तो जो सीधा आंसर मिल जाता है उसे क्या कहते हैं, ये कहा जाता है डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन का इसी को हम कह सकते हैं कि ये तथ्यात्मक क्वेश्चन होते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। जो तथ्यात्मक या फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर सीधे पैसेज में आप ढूंढेंगे तो सीधे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक, तो जो क्वेश्चन लिखे हुए सीधे जिनका आंसर मिल जाता है वो तथ्यात्मक क्वेश्चन होते हैं। द क्वेश्चंस हुज आंसर कैन बी फाउंड इन द पैसेज डायरेक्टली यू विल नॉट हैव टू थिंक योरसेल्फ, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, इफ यू लुक फॉर द आंसर यू विल फाइंड इन द पैसेज। ठीक है ना, तो एज इट इज पैसेज में वो आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा सोचना समझना या दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, तथ्यात्मक क्वेश्चन होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि इसी में पैसेज पर ही कभी कभी वोकेब्युलरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वोकेब्युलरी के शब्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये शब्दों पर क्वेश्चन हो गया, शब्द भंडार हो गया आपका, ये पूछ लिया। शब्द भंडार में क्वेश्चन को आप पूछ लेते हैं, मान लीजिए पैसेज में कोई एक वर्ड दिया हुआ है, मान लीजिए पैसेज में कोई वर्ड दिया हुआ है कोइंसिडेंस, एक जगह कहीं लिखा कोइंसिडेंस, उसको अंडरलाइन कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोइंसिडेंस एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में कोइंसिडेंस वर्ड को जिस सेंस में यूज किया गया है उसकी मीनिंग क्या होगी, हिंदी में लिख दिया जाता है कोइंसिडेंस को कहते हैं इत्तफाक। तो पैसेज में इत्तफाक या संयोग बस एक शब्द आया होगा, उसका साइनोनियम या उसका पर्यायवाची पूछ लेंगे। तो कभी कभी पैसेज में दिए गए किसी वर्ड का साइनोनियम, क्या पूछा आपने, साइनोनीम हो गया, या साइनोनीम पूछा या फिर एंटोनीम पूछा, एंटोनीम क्या हो गया, इसका विलोम हो गया, तो पर्यायवाची या विलोम। या कभी कभी क्या होता है कि एक लाइन पूरी लिखी होती है, जैसे कहीं लिखा होगा कि समारोह की समाप्ति पर जो दर्शकों को जो आनंद मिला वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, तो व्हाट जॉय, ठीक, व्हाट जॉय The audience enjoyed was unable to be expressed in words. वो शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। तो पता लगा इतना अंडरलाइन करके दे दिया गया, उसके बाद कहा गया कि इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। अब आंसर में मिला होगा आपको हिंदी में लिखा होगा अनिर्वचनीय या वर्णनातीत। वर्णनातीत का मतलब हुआ जिसका बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, वर्णनातीत का मतलब बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, जिसका वर्णन ना किया जा सके। अनिर्वचनीय का मतलब क्या हुआ, अ फीलिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, एक ऐसी भावना, एक ऐसा एहसास जिसे आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी में क्या लिखा होगा, अंग्रेजी में लिखा होगा इनडिस्क्राइबेबल, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय अवर्णनातीत हिंदी में हो गया, इनडिस्क्राइबेबल अंग्रेजी में हो गया। तो एक वाक्य के लिए कोई वाक्य आया हो पैसेज में, उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एंटोनियम या साइनोनियम भी पूछ सकते हैं, पैसेज में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग पहले पूछे गए क्वेश्चन से मैच कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे इस तरह का क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। देखिए बेटा, कोई क्वेश्चन अगर जो अभी तक नहीं पूछा गया है, ये जरूरी नहीं है कि वो अब पूछा भी नहीं जाएगा। पैसेज की एक शैली होती है, पैसेज का एक तरीका होता है, पैसेज में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अभी तक अगर नहीं पूछा गया है तो हो सकता है इस साल पूछा जाए, नहीं तो हो सकता है अगले साल पूछा जाए। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट क्वेश्चंस टू बी, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वी कैन नॉट डिसाइड। ठीक है ना, ये पेपर शीटर डिसाइड करता है। दो चीज़ें हो गई, क्या पूछे जाते हैं, कुछ डेटाबेस फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे पैसेज में, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रू फॉल्स के। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं ये। स्टेटमेंट के क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए एक कथन दिया गया, एक स्टेटमेंट दिया गया, या चार स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं, और क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट होता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज या अकॉर्डिंग टू द राइटर। अब हिंदी में लिखा होता है कि लेखक के अनुसार या गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो सत्य और असत्य पर ध्यान देना होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा असत्य है। तो ये डेटाबेस क्वेश्चन नहीं है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। यू कैन नॉट फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डायरेक्टली इन योर
पैसेज। इस प्रश्न का आंसर आप डायरेक्टली पैसेज में नहीं पाएंगे, इस तरह के प्रश्न का उत्तर सीधे प्रश्न पद्यांश गद्यांश में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, उसे आपको पूरे पैसेज को ध्यान में रख के समझना पड़ेगा। किसी एक लाइन का आंसर नहीं होता, ये पूरे पैसेज को लेकर के चार निष्कर्ष दे देते हैं, चार बातें लिख देते हैं, पर उस गद्य के आधार पर कौन सी बात सही है या कौन सी बात गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते समय पूरा पैसेज आपके दिमाग में होना चाहिए, लाइन बाय लाइन याद नहीं होता है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए ये बात पैसेज में कही गई या नहीं कही गई। अच्छा, जो पैसेज बात पैसेज में कही गई है केवल वही देखना है, आपको अपने मन की बात नहीं लगानी है उसमें। अभी मैं जब सावधानी बताने लगूंगा कि आपको क्या सावधानियां रखनी है, तब मैं बताऊंगा इस बात को कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले ये देख लिए कि हमारे सामने किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स के पैसेज के आधार पर या लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। अच्छा, सत्य असत्य में एक बात पर बहुत ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बड़ी चालाकी के साथ पूछा जाता है। जब क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है ना, तो जब ये नहीं लगा होता है तो आप लोग जरा विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने जैसे यहाँ लिखा हुआ आपने पढ़ा कि कथनों पद्यांश गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित मतों में से कौन सा कथन सत्य, आगे लिखा है सत्य डैश है, और सत्य के बाद आपने नहीं देखा, सत्य नहीं है ऐसे लिखा हुआ है, अगर आपने इस पर जोर नहीं दिया, अगर इस पर आपने कंसंट्रेट नहीं किया, तो कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, नॉट को ध्यान नहीं देते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, अब उसके आगे लिखा था नॉट ट्रू, नॉट पे गौर नहीं किया, आखिर में इन्होंने देख लिया ट्रू। पैसेज पढ़ेंगे पहला ही क्या हो गया, ट्रू निकल गया, पहला ट्रू हो गया। तो भाई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा और डी लिखा, ठीक है ना, आपने देख लिया, ये देखा, इसको देखा नहीं, तो पहला ये वाला मान लीजिए ये वाला ट्रू था, ये वाला ट्रू था, ये वाला फॉल्स था, ये वाला ट्रू था, तो जब आपने देखा यही देखा था ट्रू, और ये पहला वाला आपको ट्रू निकल गया, पहला ट्रू निकल गया तो आप नीचे बढ़ते ही नहीं है, यहीं आपने टिक मार दिया। अरे एक और नीचे आए, जब तक भैया चारों आंसर ना पढ़ लीजिए तब तक ऐसे ही टिक मत मारिए, या तो स्टेटमेंट को जो उसका डायरेक्शन दिया होता है, डायरेक्शन पढ़ते समय आपकी आंखें चार गुना बड़ी हो जानी चाहिए, ठीक है ना, आपकी आंखें जो हैं वो चार गुना बड़ी कर लीजिए और बहुत कायदे से स्क्रूटिनाइज करके पढ़िए इसको। मान लीजिए मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखना है कि कहीं पर नहीं वगैरह तो नहीं लिखा था, क्योंकि ये नहीं अगर नहीं दिखा तो फिर आपको आपके साथ बड़ी धोखा हो जाएगी, ठीक है। तो इस नहीं वगैरह पे जरा ध्यान रखना है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है मतलब क्या हुआ, आपको फॉल्स ढूंढना है, ट्रू नहीं है तो आपको फॉल्स ढूंढना है। अगर ये कहीं लिखा है कि फॉल्स नहीं है, अब सोचिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब क्या आपको ढूंढना है, ट्रू ढूंढना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन हो गया ट्रू फॉल्स का, आप ये कैसे करेंगे। अब एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है इन्फरेंस का, क्या पूछा जाएगा, इन्फरेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्फरेंस क्या चीज होती है भाई, इन्फरेंस में देखिए हमें डबल आर लिखना चाहिए था, नहीं, चलिए इन्फरेंस, आपको इन्फरेंस का क्वेश्चन, इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, इन्फर करना क्या होता है, पैसेज के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ये लगभग लगभग ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, पैसेज के या गद्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, या इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैसेज के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये इन्फरेंस, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अकॉर्डिंग टू द पैसेज अकॉर्डिंग टू द राइटर, क्या इन्फर कर सकते हैं क्या, या पूछेंगे क्या इन्फर नहीं किया जा सकता, पैसेज के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, या कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो ये निष्कर्ष निकालने का इन्फरेंस का क्वेश्चन होता है। ये जो इन्फरेंस का क्वेश्चन होता है इसको डील करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल पैसेज की समझ होनी चाहिए। जब तक आप ओवरऑल पैसेज की समझ नहीं रखेंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि निष्कर्ष में एक कथन पहले पैराग्राफ का, एक कथन दूसरे पैराग्राफ का, एक कथन तीसरे पैराग्राफ का हो सकता है, बातें हो सकता है सारी की सारी पैसेज से रिलेटेड हो, पर उनमें से कौन सा सही निष्कर्ष है ये तो हम लोग जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तब बताएंगे, अभी बता रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, ये इन्फरेंस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना।
और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, ये पूछ लेते हैं कि उस पैसेज की सुटेबल टाइटल क्या होगी। टाइटल का मतलब क्या हो गया, उसका शीर्षक पूछ लेते हैं। तो ये शीर्षक वगैरह के क्वेश्चन बड़े खतरनाक टाइप के होते हैं, क्योंकि किसी भी पैसेज का कोई एक फिक्स टाइटल नहीं होता, एक निश्चित टाइटल नहीं होगा। पता लगा आपने कुछ, आपको कुछ सूझा, हमको कुछ सूझा, और दोनों लोगों को जो सूझा वो सही टाइटल हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो शीर्षक वाले क्वेश्चन लगाते समय ये तो काफ़ी ज़्यादा तो पेपर सेट करने वाले के मूड पर डिपेंड करता है, लेकिन कभी कभी इतने क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट होते हैं कि वो बाकी के जो शीर्षक होते हैं वो रिलेट नहीं करते हैं। खैर, जब इसको हम लोग पैसे सॉल्व करने लगेंगे तो हम आपको बताएंगे कि टाइटल किस तरह का होना चाहिए, या किस तरह के टाइटल को हम सही टाइटल मान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन टाइटल पर पूछा गया। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि राइटर की अप्रोच क्या है, क्या पूछा उन्होंने, ऑथर की अप्रोच क्या है, ऑथर, ऑथर्स अप्रोच या ऑथर्स व्यू, मतलब राइटर का दृष्टिकोण क्या था, राइटर का एंगल क्या था, उसका अपना विचार या उसका अपना नजरिया क्या था। पैसेज में राइटर का क्या दृष्टिकोण है, क्या नजरिया है, कौन सा रुख अपनाया है राइटर ने। तो जो पैसेज आप पढ़ेंगे तो पैसेज में ये देख लेते हैं कि पैसेज का मूल भाव आखिर है क्या, जो पैसेज का मूल भाव है क्या वो किसी व्यवस्था का या किसी सिस्टम की आलोचना कर रहा है। जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई नियम बनाया, कोई रेगुलेशन बनाया, या कोई नया एक्ट, कोई बिल, कोई विधेयक पारित किया। अब राइटर कभी कभी क्या करता है कि उस विधेयक में जो कमियां हैं, सिर्फ कमियां, तो कभी कभी राइटर उस विधेयक की केवल कमियां निकालता है, उसकी अच्छाइयां नहीं गिनाता, सिर्फ कमियां निकालता है। तो अगर राइटर ने उसकी सिर्फ सिर्फ कमियां निकाली हैं, मान लीजिए उसमें केवल कमियां छांटी हैं, तो जब कमियां छांटते हैं तो वो क्या होता है, आलोचनात्मक। ये क्या होगा, फिर आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। आलोचना करते हैं तो क्या करते हैं, आप उसकी केवल बुराई करते हैं, केवल कमी निकालते हैं, तो ये आलोचनात्मक हो गया दृष्टिकोण। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के बाद एक दृष्टिकोण आता है समीक्षात्मक। अब आलोचना करना और समीक्षा करने में क्या अंतर आ जाएगा, आप बता दीजिए। आलोचना में अगर केवल कमियां ही कमियां निकालेंगे तो वो आलोचनात्मक हो जाएगा, अगर समीक्षा करेंगे तो उसमें अच्छाइयां और बुराइयां दोनों चीजें। समीक्षा करने का मतलब क्या हुआ कि आप उसका एक बैलेंस करते हैं, उसमें अच्छाइयाँ भी दिखाई जाएंगी, कमियाँ भी दिखाई जाएंगी, फिर उनमें एक बैलेंस किया जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें अप्रिशिएशन और क्रिटिसिज्म दोनों किया जाता है, ठीक। तो आलोचनात्मक में क्या हो जाएगा, ये क्रिटिसिज्म हो जाएगा इसका, और समीक्षात्मक हो जाता है तो ये एनालिटिकल हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, एनालिटिकल अप्रोच हो जाएगी। एनालिटिकल में एनालिसिस की जाती है, उसकी अच्छाई बुराई दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, उसके गुण दोष देने के दोनों देखे जाते हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों देखे जाते हैं, ये एनालिटिकल हो जाता है। और आलोचनात्मक ये क्रिटिकल हो जाता है, उसमें खाली क्रिटिसिज्म किया जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, अप्रिशिएटिव। अप्रिशिएटिव का मतलब क्या होता है, केवल केवल प्रशंसात्मक दृष्टिकोण रखा है, तो केवल प्रशंसात्मक दृष्टिकोण। हालांकि राइटर इस तरह के होते नहीं किसी बात की केवल प्रशंसात्मक दृष्टिकोण से लिखें, तो ये हो गया अप्रिशिएटिव। ये लगातार क्या कर रहे हैं, किसी की, किसी नियम की या किसी नीति की या किसी बात की लगातार प्रशंसा करते जाते हैं, तो ये केवल अप्रिशिएटिव होता चला जाता है, ठीक। तो ये प्रशंसात्मक दृष्टिकोण उन्होंने रख लिया। कभी कभी क्या होता है कि वो रिफॉर्मेटिव दृष्टिकोण रखते हैं, एडवाइजरी। एडवाइजरी का मतलब क्या होता है, सलाह देते हैं। ये नजरिया होता है तो हम किसी को सलाह देते हैं, ये हो जाता है सुझावात्मक। सुझावात्मक या सजेस्टिव हो जाता है। ये नजरिया क्या हो गया, सजेस्टिव नजरिया हो गया। सुझाव दिया उन्होंने कि आपको ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, बड़े सारे नज़रिए हैं, जब हम लोग इस पर बात करेंगे। रिफॉर्मेटिव हो सकता है सुधारात्मक, सरकार इनका जो सुझाव है ये क्या हो सकता है, सुधारात्मक। मान लीजिए कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ कमियां हैं, उस कमियों उन कमियों को सुधारने के लिए, दूर करने के लिए राइटर अपनी ओर से कुछ उपाय बताता है, कुछ सुझाव देता है, वो क्या होते हैं, रिफॉर्मेटिव। उसमें सुधार किस तरह से किया जा सकता है, वो तो रिफॉर्मेटिव अप्रोच हो गई किसी राइटर की।
तो राइटर के उस पैसेज लिखने के पीछे क्या नजरिया था, क्या दृष्टिकोण था, किस पर्पज को लेकर के राइटर ने वो पैसेज लिखा है, तो ये हो जाता है उसके दृष्टिकोण। अच्छा, ये केवल इतने ही दृष्टिकोण नहीं है, तमाम तरह के और भी दृष्टिकोण होते हैं, जब हम लोग पैसेज करने लगेंगे तब और डिस्कस करेंगे। अब ये दृष्टिकोण पकड़ा कैसे जाएगा, हाउ टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द राइटर। तो ये जब हम लोग 8-10 पैसेज डिस्कस करेंगे आपके साथ में, तो मान लीजिए कि वो दृष्टिकोण का क्वेश्चन ना भी पूछा गया होगा, तब भी मैं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन रखूंगा कि ये पैसेज जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया उसमें राइटर का दृष्टिकोण क्या था, उसमें राइटर का नजरिया या उसका राइटर का आउटलुक क्या था, तो हम लोग अपनी ओर से क्वेश्चन कर लिया करेंगे। चलिए, ये सारी तो बातें हो गई कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। राइटर का व्यू पूछा जा सकता है, इन्फरेंस पूछा जा सकता है, कुछ वोकैब के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कुछ डेटा बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं। ये बात हो गई क्वेश्चनों के प्रकार की। चलिए, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि व्हाट टू डू। जब हम लोग पैसे सॉल्व करने लगते हैं तो व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको सुझाव क्या है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि डोंट कॉपी एंड पेस्ट। ये तो खैर आप कहेंगे कि हम डोंट कॉपी एंड पेस्ट, हम केवल कॉपी या पेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये किस लिए होता है, जब आपका एग्जाम कैसा हो, डिस्क्रिप्टिव हो। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हुआ, आपको कॉपी पेन ली है आप और आप लिख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव में ये होता है कि किसी पैसेज का जब आप आंसर लिखने लगते हैं तो आप पैसेज से सीधे कॉपी पेस्ट मत करिए। सीधे कॉपी पेस्ट करने का मतलब हो जाता है कि आंसर आप नहीं दे रहे हैं, तब आंसर कौन दे रहा है, राइटर आंसर दे रहा है। अगर आपने सीधे कॉपी पेस्ट किया तो ये आंसर राइटर का माना जाएगा, आपका नहीं माना जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि इसमें जो आई लिखा होता है वो किसके लिए लिखा होता है, राइटर के लिए लिखा होता है आई। राइटर अपने लिए क्या लिखा रहेगा, आई लिखा रहेगा, तो राइटर अपने लिए आई लिखा होगा। अगर आपने आंसर में आई लिख दिया या मैं लिख के जवाब दे दिया, जैसे मान लिया कोई पैसेज है और पैसेज में ये लिखा हुआ है, आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि एक पैसेज है और पैसेज में क्वेश्चन में ये लिखा हो कि मैं उस समय सहायक मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था, सहायक मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था, पद पर कार्य कर रहा था, कार्य कर रहा था। अब ये अंग्रेजी में लिखा होगा आई वाज एन असिस्टेंट मैनेजर एट दैट टाइम, आई वाज एन असिस्टेंट मैनेजर एट दैट टाइम। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट वाज ही एट दैट टाइम। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वाज ही एट दैट टाइम, उस समय वो क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। हालांकि इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। पूछा गया है कि उस समय सहायक मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था, तो कौन कार्य कर रहा था, मैं। ये मैं कौन हो गया बताइए, ये मैं तो लेखक होगा ना, राइटर अपने लिए तो आई मैं लिखेगा, और ये आई कौन है, ये आई वही है, लेखक है, राइटर है। तो यहाँ लिखा आई वाज एन असिस्टेंट मैनेजर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट वाज ही, तो आपको जवाब में क्या लिखना होगा, आप यहां से काटेंगे आई वाज एन असिस्टेंट मैनेजर, यही आदत होती है ना कट पेस्ट करने की, देखा है आप असिस्टेंट मैनेजर, ये सीधे सीधे काट के उठा लिया उन्होंने, काट के उठा लिया। आंसर देते समय क्या करते हैं, यहीं से पूरा उठाएंगे आई वाज एन असिस्टेंट मैनेजर। तो आई किसका जवाब हो गया, राइटर का, आपका जवाब नहीं हुआ। एग्जामिनी कौन है, आप हैं एग्जामिनी, आप एग्जाम दे रहे हैं। क्वेश्चन किसे पूछा गया है, जो एग्जाम दे रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षार्थी से, तो एग्जामिनी से पूछा गया है, तो एग्जामिनी शुड आंसर दिस क्वेश्चन। आप एग्जामिनी बन के आंसर दीजिए, आप राइटर बन के आंसर नहीं देंगे।
जब आप कहेंगे मैं उस समय सहायक मैनेजर था, क्वेश्चन पूछा गया उस समय वो क्या थे, आपने उत्तर में क्या उठाया, यहाँ से काट के लिख दिया मैं उस समय सहायक मैनेजर था, तो मैं उसमें मैं क्यों लगाया आपने, जब आपसे क्वेश्चन थर्ड पर्सन में पूछा गया है तो आप थर्ड पर्सन में जवाब दें। आपसे क्वेश्चन पे क्या पूछा गया था, व्हाट वाज ही, जब व्हाट वाज ही लगा था तो ही की जगह ही लगाते, आपने आई क्यों लगाया। पूछा जा रहा है कि वह उस समय क्या थे, वह उस समय क्या थे, तो आप जवाब देते कि वह उस समय सहायक अध्यापक थे, आपने क्यों लगाया कि मैं उस समय सहायक अध्यापक था। अगर आपने मैं लगा दिया तो किसकी भाषा हो गई, राइटर की भाषा हो गई, तो राइटर से जवाब नहीं पूछा गया था, जवाब परीक्षार्थी से पूछा गया था। राइटर शुड नॉट हैव टू आंसर, एग्जामिनी शुड हैव टू आंसर, तो आप एग्जामिनी बन के आंसर दीजिए, राइटर को थर्ड पर्सन मानिए और ही में जवाब दीजिए। तो कभी भी इसीलिए कहा जाता है कट पेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपसे गलती हो सकती है। कॉपी पेस्ट करते समय क्या गलतियां हो सकती हैं, पर्सन की गलती हो सकती है, टेंस की गलती हो सकती है। क्या क्या गलती हो सकती है, पर्सन की और टेंस की, इसमें मिस्टेक हो सकती है पर्सन की। मान लीजिए क्वेश्चन ही से पूछा गया है तो आपने जवाब आई में दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, पर्सन की गलती हो सकती है, और किसकी गलती हो सकती है, टेंस की गलती हो सकती है। मान लीजिए पैसेज प्रेजेंट में लिखा है, क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया, जैसे राइटर ने लिखा है कि वी वर गोइंग टू दिल्ली बाय राजधानी एक्सप्रेस, वी वर गोइंग टू दिल्ली, अब क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि व्हाट आर, वेयर इज द राइटर गोइंग, राइटर कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन पूछा वेयर इज द राइटर गोइंग, तो आपका आंसर क्या होगा, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली नहीं होगा, तब क्या होगा, ही इज गोइंग टू दिल्ली, द राइटर इज गोइंग टू दिल्ली। तो जो टेंस होता है और पर्सन होता है, क्या होता है, टेंस एंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पैसेज, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पैसेज, ये क्या होता है, गद्यांश या पद्यांश के अनुसार, ये किसके अनुसार होना चाहिए, जो पैस सॉरी गद्यांश पद्यांश नहीं, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए, हमने गलत लिख दिया, ये तो फिर वही राइटर का हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए प्रश्न के अनुसार, किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार। आपके उत्तर का जो टेंस और पर्सन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो क्वेश्चन का टेंस है उसके अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन का पर्सन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं कि डिस्क्रिप्टिव में ही हो, इस तरह का कंफ्यूजन ऑब्जेक्टिव में भी कर सकते हैं। मान लीजिए पहला ऑप्शन पैसेज आई में लिखा हुआ है, क्वेश्चन ही में पूछा गया है, और जो आपके ऑप्शन है उसमें एक आई में और एक ही में दोनों में दे दिया जाए तो आई वाला नहीं होगा, तब ही में होगा। आपका जो भी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, ना कि पैसेज के अकॉर्डिंग हो गया। एक बात ये मुझे आपको बतानी थी, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आगे इसी बात को हम लोग और डिस्कस करेंगे जब पैसेज करने लगेंगे, जब प्रैक्टिकल करने लगेंगे तब। तो पहली बात मैंने कहा था कि आप कॉपी और पेस्ट ना करें, कॉपी पेस्ट ना करें। दूसरी बात क्या होगी, तो दूसरी बात यह है कि डोंट इम्प्रूव डेटा, डोंट इम्प्रूव डेटा। अगर कोई डेटा दिया हुआ है तो आप उस डेटा को चेंज करने की कोशिश मत करिए, डेटा को चेंज करने की कोशिश मत करिए। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि पैसेज में कोई ऐसी जानकारी दी गई है जो जीएस के दृष्टिकोण से आपके या आपके विषय ज्ञान के दृष्टिकोण से गलत है। तो मान लीजिए जैसे ऐसे कहीं लिखा हुआ है, सपोज कि ये लिखा हो कि लॉर्ड राम वॉज बोर्न इन मथुरा। यहां लिखा हुआ कि भगवान राम का जन्म मथुरा में हुआ था, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन पूछा गया Where was Lord Ram born? हालांकि इस तरह का पूछते नहीं है। आपका ऑप्शन पहला क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा अयोध्या, दूसरा ऑप्शन होगा काशी, तीसरा ऑप्शन होगा सी में आते हैं, कहीं और का ले लेते हैं, जैसे तीसरा ऑप्शन हमने लिख लिया पटना, पाटलिपुत्र लिखें, और डी ऑप्शन में हमने लिया मथुरा, ठीक।
ये है। क्वेश्चन है कि लॉर्ड राम वॉज बोर्न इन मथुरा, स्टेटमेंट है जो पैसेज है, पैसेज में लिखा है कि भगवान राम का जन्म मथुरा में हुआ था। जब ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन वन, और यह है कि वेयर वॉज लॉर्ड राम बोर्न, भगवान राम कहाँ पैदा हुए थे, तो आपको तो पता है ना कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, आप आंसर तुरंत लगा देंगे अयोध्या, ठीक है ना। अब आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा ये आंसर, क्योंकि पैसेज में लिखा हुआ है कि भगवान राम मथुरा में पैदा हुए थे, तो आपको उसका जीएस इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। पैसेज में था भगवान राम मथुरा में पैदा हुए थे, तो आपका आंसर क्या होगा, मथुरा होगा, आपका आंसर अयोध्या नहीं होगा। अब हम इन लोगों की जन्मस्थली नहीं बदल रहे हैं, मेरा एक सीधा सा उद्देश्य था आपको ये बात समझाना। तो आपको ये बात समझाने के लिए हम कोई ऐसा उदाहरण लेते जो आपको ऑलरेडी पता है, जो हमको आपको सब लोगों को नोन है, वही चीज़ लेना था। आप सब लोगों को पता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल पकड़ा, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात खटक जाएगी जब मैं कहूँगा कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर होगा मथुरा ना कि अयोध्या। क्यों नहीं होगा, हम जानते हैं भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन पैसेज में दिया हुआ है कि भगवान का राम का जन्म मथुरा में हुआ था, तो जो पैसेज में लिखा हुआ है वही आपका आंसर होगा। आप अपनी जानकारी के अनुसार आंसर नहीं देंगे, ये पैसेज सॉल्व करने की एक विशेष तरीका होता है करेंगे। तो आज हमें आप लोगों से पैसेज का सेशन शुरू करने के पहले जो कुछ तरह की आपसी चर्चा करनी थी एक दूसरे से, तो कुछ ये आपसी चर्चा थी, मुझे कुछ आप लोगों से कहना था कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, ये हमें डिस्कस करना था, ये हमने आपसे बात कर ली, ठीक है। तो हमारी आपकी बात आज हो चुकी है, आज ख़त्म हो चुकी है, कुछ बातें जो बची होंगी वो पैसे सॉल्व करते समय हम लोग और कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, क्या आप जानते हैं नट GRF क्वालिफाई तथा PhD स्कॉलर्स को UP के एडेड डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कौन सा एग्जाम क्लियर करना होता है? UPHSC द्वारा आयोजित परीक्षा हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर देती है। ये परीक्षा दो चरणों में संपन्न होती है, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार। लिखित परीक्षा के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक पेपर होता है, जिस पेपर के दो पार्ट होते हैं, पार्ट वन पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के, ICT के, मैन एंड एनवायरमेंट के, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी से आते हैं। शेष 70 क्वेश्चन आपके वैकल्पिक विषय से आते हैं।